से भाग दौड़ करके दिल्ली पहुंचा, और दिल्ली से कोई फ्लाइट नहीं मिल रही थी तो पार्टी ने चार्टर प्लेन भेजा। लेकिन ये जो सरकार है ये हर रास्ते में रोड़ा अटकाती है, तो 1.5 घंटे तो यार हेली उस पे रनवे पर खड़ी रही। हमारा जो चार्टर प्लेन था उस फिर टेक ऑफ किया, तो बड़ी मशक्कतों से आपके बीच में पहुंचा, देर से आया हूं, इसके लिए माफी चाहता हूं। श्रीरामपुर की ये तारीखी सरजमीन, ऐतिहासिक सरजमीन, मैं इस शहर को जैन सासाने साहब की वजह से जानता रहा हूं। राजनीति के गलियारों में महाराष्ट्र से लेकर के दिल्ली तक उनका जो सम्मान है वो अपने आप में अनूठा है, और मुझे खुशी है कि उनके सुपुत्र पिता की विरासत को बहुत अच्छे से आगे बढ़ा रहे हैं, तो मैं उनको बधाई दूंगा। हेमंत ओगले साहब हमारे भाई हैं, यूथ कांग्रेस में संघर्ष करते हुए मैंने इनको देखा है। मैं पहली बार आपके बीच में आया हूं, बड़ी तादाद में आप यहां पिछले कई घंटों से इकट्ठा हैं, थोड़ी देर आपसे बातचीत करूंगा। मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपका खासदार हूं, देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, आपकी नुमाइंदगी करता हूं, ये मेरा सौभाग्य है, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मैं तुम्हें अपने उसूलों की कसम देता हूं, मुझको मजहब के तराजू में न तौला जाए, मैंने इंसान ही रहने की कसम खाई है, मुझको हिंदू या मुसलमान न समझा जाए। श्रीरामपुर वालों, आने वाली 20 तारीख को आपको अपने घरों से बाहर निकलना है, और न सिर्फ श्रीरामपुर के भविष्य का फैसला करना है बल्कि महाराष्ट्र के भविष्य का फैसला करना है। एक तरफ महाविकास अघाड़ी की वो सरकार खड़ी है जिसका 1.5 साल का, तकरीबन 2 साल का कार्यकाल आपने देखा है, जब पूरी दुनिया में कोरोना था, जब लोग ऑक्सीजन के लिए तरस रहे थे, जब दवाइयों के लिए तरस रहे थे, ऐसे वक्त में भी उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाविकास अघाड़ी की सरकार एक एक इंसान की सेवा करने का काम कर रही थी, उनकी खिदमत करने का काम कर रही थी, दवाइयां पहुंचा रही थी, इलाज पहुंचा रही थी। और एक तरफ वो महायुति खड़ी है जो उस कोरोना के दौरान भी महाराष्ट्र में किस तरह से लोकतंत्र को लूटा जा सके इसकी साजिशें करने में लगी थी। एक चलती हुई सरकार को लूट करके जो सरकार महाराष्ट्र में बनाई गई उसकी बुनियाद धोखेबाजी पर टिकी हुई। ये चुनाव इस बात का चुनाव है कि दिल्ली में बैठा हुआ हाकिम यह सोचता है कि महाराष्ट्र को रिमोट कंट्रोल से चलाएगा, लेकिन यह महाराष्ट्र की धरती है, यह वीर शिवाजी महाराज और बाबा साहब अंबेडकर की धरती है, यह दिल्ली के किसी हाकिम के आगे झुकने वाली धरती नहीं है, यह आंदोलन की भूमि है, यह जवाब देना जानती है। एक तरफ उनके नारे क्या है, बटोगे कटोगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल ले जाएंगे, उल्टा लटका देंगे, ढहा देंगे, और एक तरफ हमारे नारे क्या है, आइए नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। एक तरफ नफरत खड़ी है, एक तरफ मोहब्बत खड़ी है, अब आपको तय करना है कि आप कहां हैं। हेमंत को कांग्रेस पार्टी ने अपना नुमाइंदा बना के, अपना प्रतिनिधि बना के, अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच में भेजा, और हम जानते हैं, हमने हेमंत का संघर्ष देखा है, हमने हेमंत के वो दिन भी देखे हैं जब पिछली बार उनका टिकट कटा तो कोई और युवा होता तो हो सकता है कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेता, लेकिन इन्होंने कहा कि नहीं, मैं कांग्रेस पार्टी का वफादार सिपाही हूं, एक बार नहीं 10 बार टिकट कटे लेकिन पार्टी का दामन नहीं छोड़ूंगा। आज जब इनको टिकट मिल गया तो वो बुजुर्ग लोग, वो सीनियर लोग, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, जुगनू भी मेरे घर में चमकने नहीं देते, कुछ लोग अंधेरों को सिमटने नहीं देते, हम हैं कि नई पौध लगाने पे तुले हैं, बरगद हैं कि पौधों को पनपने नहीं देते। ये नई पौध जो कांग्रेस पार्टी ने यहां पर रोकने का काम किया है, जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई दलित भाई आदिवासी भाई सबको साथ लेके चलने वाला इंसान है, ऐसे इंसान के लिए मैं हजारों किलोमीटर दूर से चल करके, भाग दौड़ करके, अपना दामन फैला के आपसे ये कहने आया हूं कि मेरे भाई ये चुनाव बहुत जरूरी चुनाव है, ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। याद करिए भाजपा सरकार के नेताओं के वो भाषण जो लोकसभा चुनाव के दौरान वो पूरे देश में दे रहे थे,
चाहे अनंत हेगड़े हो, चाहे लल्लू सिंह हो, चाहे अरुण गोविल हो, चाहे दिया मिर्धा हो, उनके भाषण क्या थे? हमें बहुमत दो क्योंकि हमें संविधान बदलना है। लेकिन वो तो देश की जनता का शुक्रिया सैल्यूट है भारत की जनता को कि 400 पार का नारा लगाने वालों को 240 पे लाके पटक दिया। उनके मंसूबे नाकामयाब हुए, अकेले दम पर खड़े नहीं हो सके तो दो नकली टांगे लगानी पड़ी उनको। एक आंध्र प्रदेश से उधार लिया, एक बिहार से उधार लिया, एक चंद्रबाबू, एक नीतीश बाबू। अब अगर आपने महाराष्ट्र में कुछ खेल कर दिया तो पता नहीं कौन सी टांग अपना रास्ता अकेले पकड़ ले, और दिल्ली वाले कब धड़ाम होके गिर जाए कोई भरोसा नहीं है। आजकल मोदी जी बहुत परेशान रहते हैं इसलिए, क्योंकि जितना सम्मान उन्होंने कभी अडवाणी जी को नहीं दिया उससे ज्यादा तो उन्हें नीतीश कुमार को देना पड़ रहा। देश बदल गया है, माहौल बदला हुआ है, इसलिए सारा तिकड़म लगा करके महाराष्ट्र वालों, बस आपको एक बात ध्यान में रखनी है। मैंने कहा ना, मैं राज्यसभा में आपका प्रतिनिधित्व करता हूं, आपके लिए आवाज उठाने का काम करता हूं, मेरी पार्लियामेंट की स्पीच है तो उठा के देख लेना। मैं भले ही महाराष्ट्र की धरती में पैदा नहीं हुआ हूं, लेकिन मेरा सौभाग्य है, मेरी खुशनसीबी है कि जब मेरे नेता राहुल गांधी जी ने मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाने के बारे में फैसला किया तो उन्होंने मुझे महाराष्ट्र भेजने का निर्णय लिया। ये मेरे लिए सबसे गर्व की बात है, सबसे सौभाग्य की बात है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आपको यकीन दिलाता हूं कि जब मैं देश की पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोलता हूं तो मेरी स्पीचें उठा लेके देख लेना कि ऐसा आपको लगेगा कि जैसे ये बेटा जो आपका पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल रहा है वो आपके बीच पैदा हुआ है, आपकी मिट्टी का है। मैं आपके लिए आवाज उठाता हूं, मैं उस बुनियाद पर आपसे कहने आया हूं कि हेमंत हमारे बहुत चहेते प्रत्याशी हैं, राहुल जी के बहुत चहेते प्रत्याशी हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी के बहुत चहेते प्रत्याशी हैं, पूरी महाविकास आघाड़ी के चहेते प्रत्याशी हैं। ऐसे में आप इन्हें आमदार बना करके असेंबली में पहुंचा दीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी की सरकार बनने जा रही है, एक तरफा सरकार बनने जा रही है। ये आपका नौजवान साथी आपके लिए अपनी सरकार से भी लड़ेगा और दिल्ली वाली सरकार से भी लड़ेगा, और मैं आपका खासदार हूं तो यह वादा करता हूं आपसे कि एक जिताइए एक साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर तो कुछ हो नहीं सकता। ये आपके लिए यहां असेंबली में बोलेंगे, मैं वहां खड़ा होकर के पार्लियामेंट में बोलूंगा। जब भी श्रीरामपुर के डेवलपमेंट के लिए इनकी निधि कम पड़ जाएगी मैं इनके पास अपना एक ब्लैंक लेटर पैड इनके पास रख दूंगा कि जो लेना हो श्रीरामपुर के लिए ले लेना, ये आपका हक है, ये आपका अधिकार है, मैं आपसे वादा करता हूं। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया हूं कि किसी के झांसे में मत आइए। लोगों के पास घड़ी हो सकती है लेकिन उनका समय खराब है, तो किसी झांसे में मत आइए। हमारे पास हाथ का पंजा है, उस पंजे में मशाल है, और फिर जब तुतारी बजेगी तो कोई भी गद्दार आसपास नजर नहीं आएगा। ये सोच करके इस चुनाव को लड़िए कि ये बहुत जरूरी चुनाव है। महान बादशाह सिकंदर ने यूनान जीता, यूनान जीतने के बाद वो जीत का जश्न मनाने के लिए शहर की सड़कों पर निकला। बड़ी गंभीरता से सुनिएगा मेरी बात, देर से आया हूं लेकिन बात ही अच्छी करूंगा। जब वो जीत का जश्न मनाने के लिए यूनान की सड़कों पर निकला तो उसने देखा कि पूरा शहर जश्न मना रहा है लेकिन एक फकीर सड़क के किनारे चादर तान के बेपरवाह सो रहा है। सिकंदर को गुस्सा आया, सिकंदर अपने घोड़े से उतरा, उतर के उस सोते हुए फकीर के पास गया और उसे देख करके गुस्से में उसे जोर की एक लात मारी और लात मार के कहा, क्यों रे फकीर, मैंने शहर जीत लिया है, लोग जश्न मना रहे हैं और तू सो रहा है। उस फकीर ने उनींदी आंखों से सिकंदर की तरफ देखा और देख करके कहा कि शहर फतेह करना बादशाहों का काम है लेकिन लात मारना गधे का काम है। ये जो दिल्ली में बैठी हुई सरकार है और जो महाराष्ट्र की सरकार है, पहले एक इंजन, फिर दूसरा इंजन, फिर वो भी कम पड़ा तो तीसरा इंजन, ये धोखेबाजों की और खोखेबाजों की सरकार है। इनको जब चैन नहीं पड़ा, एक पार्टी को तोड़ के सरकार बनाई तो
तो फिर दूसरी पार्टी को भी तोड़ा, फिर भी चैन नहीं बना तो चुनाव निशान छीन लिया। लेकिन मैं जहां पैदा हुआ हूं उस उत्तर प्रदेश का और जहां का प्रतिनिधित्व करता हूं उस महाराष्ट्र का, दो राज्यों का धन्यवाद अदा करता हूं कि लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जमीन पे लाके पटका है, तो इन दो राज्यों ने पटका है। जो परिणाम आपने दिया है कि पैर के नीचे से जमीन सरक गई, तो वो जो धोखा दिया था, वो जो खोखा दिया था, उसका बदला लीजिए इस चुनाव में। घरों से बाहर निकलिए 20 तारीख को। हो सकता है हमारे कुछ अपने लोग ऐसे भी हो जिनकी पुरानी निस्बत रही हो, पुराना जुड़ाव रहा हो, लेकिन यह चुनाव एक आमदार का चुनाव है ही नहीं। अगर आपको लगता है कि 20 तारीख को आपका वोट सिर्फ एक आमदार चुनने के लिए देना है, तो आप गलतफहमी के शिकार, फिर आप बहुत छोटा सोच रहे हैं। आपका चुनाव सिर्फ एक आमदार का नहीं है, आपका चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है। और ईवीएम में मैंने सुना है इनका दो नंबर पे बटन है, दो नंबर पे है, तो दो नंबर का बटन दबाइए, जितने दो नंबर ही लोग घूम रहे हैं उनको बाहर भगाइए। हेमंत ओगले आपके अपने हैं, आपके बेटे हैं, और मैं इनकी शराफत और सादगी की जमानत मैं लेता हूं, मैंने दिल्ली में देखा है। और मैं खास तौर से अपने समाज के लोगों से भी कहना चाहता हूं कि मैंने दिल्ली में हेमंत को इस देश के मुद्दों पर, दिल्ली की सड़कों पर, जंतर मंतर पर लड़ते हुए देखा है। इसलिए अपना एक भी वोट बर्बाद मत करिए। भाजपा वाले जीतेंगे, शिंदेगढ़ के लोग जीतेंगे, तो अंबानी और अडानी का कर्जा माफ होगा। अगर महाविकास अघाड़ी जीतेगी तो किसानों का कर्जा माफ होगा। यह फर्क है उनके और हमारे बीच में। और वो जो आए आपके बीच में कांग्रेस पे तनकीद करें, कांग्रेस की आलोचना करें, और ये कहें कि बताओ कांग्रेस वालों क्या किया है, तो उनको मेरी भाषा में जवाब देना। मैं एक दिन पार्लियामेंट में बैठा था, सामने प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, बोले बताओ कांग्रेस वालों 70 साल में क्या दिया। मैं इधर से खड़ा हुआ, मैंने सोचा बताना शुरू करूं, तब तक खड़गे जी बैठे थे, बोले इमरान मत बताओ, जो बताओगे ये उसको भी बेच देंगे, इनका काम सिर्फ बेचने का है, इन्हें मत बताओ। कुछ और नहीं किया इस सरकार ने, कुछ भी नहीं किया। महाराष्ट्र की महायुति की सरकार भारत की सबसे भ्रष्ट सरकार है, उसको उखाड़ फेंकने का समय आया है। जो धोखा किया है उन्होंने जमहूरियत के साथ, लोकतंत्र के साथ, उसका बदला लीजिए इस चुनाव में। और उन्हें एहसास दिलाइए कि आप महाराष्ट्र की योजनाओं को जो गुजरात लेके जा रहे हैं, महाराष्ट्र की जनता इस बात के लिए भाजपा को माफ नहीं करेगी। नागपुर में एयरबस का एक प्रोजेक्ट लगना था, उठा के ले गए उसको गुजरात। फॉक्सकॉन की फैक्ट्री लगनी थी महाराष्ट्र में, उठा के ले गए उसको गुजरात। महाराष्ट्र को गुजरात से और दिल्ली से रिमोट के जरिए चलाना चाहते हैं, तो कम से कम महाराष्ट्र की आंदोलन की भूमि यह तो नहीं बर्दाश्त कर सकती। इसलिए अब तक जहां भी जुड़े रहे हो, जिससे भी निस्बत रखी रही हो, बस एक बात ध्यान में रखो कि महाराष्ट्र अगर भाजपा हारती है तो दिल्ली में जो उसकी तानाशाही है वो तानाशाही कमजोर पड़ेगी। इसलिए इस चुनाव में इधर उधर एक भी वोट बर्बाद करने से कोई फायदा नहीं है। कहीं भी अगर एक वोट इधर से उधर देते हैं तो सीधा फायदा महायुति को मिलेगा, तो वोट बर्बाद नहीं करना। और इन सब के झूठ में भी मत आना, ये जो महायुति और ये अपक्ष और ये सपक्ष जितने भी सारे लोग हैं, किसी के झूठ के चक्कर में मत आना। वो एक बार शिंदेगढ़ के मिनिस्टर साहब गए गांव में, मिनिस्टर साहब ने गांव के लोगों को इकट्ठा किया, गांव वाले आपकी तरह भोले भाले लोग थे श्रीरामपुर की तरह, बोले बताओ गांव वालों तुम्हारी क्या समस्याएं हैं, मैं तुम्हारी समस्याएं समाप्त करना चाहता हूं, दो समस्या बताओ कोई। गांव वाले सीधे थे, बोले साहब हमारी पहली समस्या है गांव में हॉस्पिटल नहीं है। तो उन्होंने अपना मोबाइल निकाला, पता नहीं कहां फोन लगाया, और लगे डांटने अधिकारी को
कि इस गांव में हॉस्पिटल नहीं है, मैं यहां आया हुआ हूं, लोग शिकायत कर रहे हैं, कल तक मुझे यहां टेम्परेरी हॉस्पिटल बना के देना है। और फिर फोन रखा और रख के बोले, देखो मैंने आपकी पहली समस्या खत्म कर दी, दूसरी बताओ। गांव वाला ने कहा, साहब यहां मोबाइल का कोई नेटवर्क नहीं है, ये दूसरी समस्या है। तो ऐसा सलीके का झूठ बोलते हैं ना कि आदमी धोखे में आ जाता है। तो किसी धोखे में मत आइए। ये वही लोग हैं ना जिन्होंने 2014 में नारा दिया था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, याद है ना। और फिर उसका अंजाम क्या हुआ, जो पेट्रोल डीजल 58 रुपए लीटर था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया, वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पास पहुंच गया। मैंने तो एक दिन पार्लियामेंट में खड़ा होकर कहा मैंने कि भाजपा वालों, आप महंगाई मिटाने की बात करते थे, अरे आप शर्म करिए, आप तो वो लोग हैं कि जिन्होंने फिल्में टैक्स फ्री की और कफन पर जीएसटी लगाई, कफन पर टैक्स लिया, आपको शर्म आनी चाहिए। ये नारे लगाते थे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, याद है ना। और फिर उस नारे का क्या हुआ कि हाथरस में जब एक दलित बिटिया का बलात्कार हुआ तो रात के 2 बजे उसकी लाश जला दी गई, इसलिए ताकि सबूत मिटाया जा सके। जब जब तक मंत्र पर ओलंपिक पदक लाने वाली बेटियां अपना अधिकार मांगने के लिए, इंसाफ मांगने के लिए बैठी, तो दिल्ली पुलिस ने उनको किस तरह घसीटा ये पूरे देश ने देखा। प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगाते रहे और लाल किले की प्राचीर पर खड़े होकर के 15 अगस्त को महिला सशक्तिकरण पे भाषण देते रहे, और उनके भाषण के 2 घंटे बाद गुजरात में बिल्किस के बलात्कारी जो सजा काट रहे थे न सिर्फ रिहा किए गए बल्कि उनको भाजपा के लोगों ने माला पहनाई। आपने बदलापुर देखा है, आपने पुणे देखा है, गैंगरेप देखा है, आपने महाराष्ट्र की कानून व्यवस्था की बर्बादी देखी है। इसलिए आपसे अपील करता हूं कि इस चुनाव में महाविकास आघाड़ी का साथ दीजिए। हमारे लोकप्रिय उम्मीदवार, हमारे कैंडिडेट हेमंत, इधर आइए आप। मैं इस अपने भाई के लिए, उम्र में शायद इनसे छोटा हूं मैं, हाँ मतलब छोटा बताना भी पड़ता है ना, नहीं लोग समझेंगे कि बुजुर्ग आदमी आया हुआ है। मैं इनसे छोटा हूं उम्र में, लेकिन मैं आपका अपना हूं, आपसे ये अपील करने आया हूँ। करण भैया आप भी इधर आइए ना, आप आएंगे तो हेमंत को दोनों तरफ से घेरने की जरूरत है ना, उधर से आप इधर से मैं, तो थोड़ा और मजबूती मिल सके। दाएं और बाएं आप देख रहे हैं ना, कौन लोग हेमंत की जमानत ले रहे हैं, इनके लिए कौन लोग खड़े हैं। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि हमारे आने को, करण भाई के निवेदन को अस्वीकार मत करिएगा, एक साथ आइए। हम धर्म जात मजहब की राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं, हम इंसानियत और मानवता की बात करने वाले लोग हैं, हम प्रेम की बात करने वाले लोग। आपने देखा होगा हमारे नेता राहुल गांधी को कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर पैदल चले, वो क्यों, एक नारा लगाया, नफरत छोड़ो भारत जोड़ो। आपने देखा है कभी नरेंद्र मोदी जी कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं, सुना है आपने ना, ये कहते थे कि राहुल गांधी तो शहजादे हैं। बताओ दुनिया में कोई ऐसा शहजादा दूसरा जो भारत के लोगों को गले से लगाने के लिए अपने पैर के छालों की परवाह किए बगैर 4000 किलोमीटर चले। मैं चला हूं राहुल गांधी जी के साथ कन्याकुमारी से कश्मीर तक, हेमंत भी रहे हैं बहुत सारी जगहों पे। जब मैं चलता था तो लोग मुझसे कहते थे, इमरान साहब आप तो कवि हैं, शायर हैं, सियासतदान बाद में हैं, आप राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं आप क्या कहेंगे। तब मैं कह देता था कि जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, जो हर जालिम से टकराएगी वो आंधी बनाऊंगा, नए अंग्रेज आए हैं नया गांधी बनाऊंगा। मैं चला हूं राहुल जी के साथ, तो मैं उसी बुनियाद पर आपसे यह कहने आया हूं कि आप तो वो लोग हैं ना जो इस बात पर ईमान रखते हैं कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए, रखते हैं कि नहीं रखते हैं। मैं रखता हूं इस बात पर ईमान, आप सब भी रखते हैं ना, कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। मैंने देखा है राहुल गांधी के माथे का बहता पसीना, मैंने देखा है राहुल गांधी के पैर के छाले। मैं आज आपसे राहुल गांधी की मजदूरी मांगने आया हूं, और वो मजदूरी है हेमंत ओगले को जिता करके असेंबली पहुंचा दीजिए, ये सबसे बड़ी मजदूरी है हेमंत की। और जाते जाते शायरी भी सुनाऊंगा तो आप सारे लोग कहेंगे कि देखो ये भी नेताओं की तरह आया, भाषण देके चला गया।
मैं नेता तो हो ही गया हूँ, लेकिन थोड़ी बहुत तो अंदर शायद ये भी बची हुई है। मैं एक नज्म सुना करके आपको जाता हूँ, याद करिए। हाँ बिल्कुल सुनाऊंगा, आपके बिना कैसे सुनाऊंगा, आ गया हूँ तो मक्तल में बच के जाना, क्या आपको सुनाना ही सुनाना है। उनका नारा आजकल मैं जब भी पार्लियामेंट में बैठता ना तो हमसे बड़ा झेपे झेपे रहते हैं। मैं उनको उनकी बातें याद दिलाता हूँ, उनसे कहता हूँ कि 2013 में आपने कहा था ना, भाइयों बहनों देश के खजाने की चाबी मुझे सौंप दो, मैं देश नहीं लूटने दूंगा, मैं चौकीदारी करूंगा। अब मैं उनसे पूछता हूं पार्लियामेंट में भी खड़ा होकर के और देश की हर जगह के, कहां सोया है चौकीदार? आप थक तो नहीं गए? नहीं थके हैं ना? ये श्रीरामपुर के लोग हैं, मुझे पता है इतनी जल्दी थकने वाले लोग नहीं है, बड़े हिम्मत वाले जिंदा दिल लोग हैं, मुझे लगना चाहिए। मुझे इसके बाद आगे 3 सभाओं में जाना है, तो मैं चाहता हूं कि बड़ा भाग दौड़ करके बिना सोए हुए लगातार सफर करके, पिछले 5 दिन से मैं झारखंड में था, अब लगातार महाराष्ट्र रहना है, दिन में 5-5, 6-6, 7-7 सभाएं करनी है। तो आप सब की दुआ, आप सबकी ताकत, आप सबकी तालियां हमें हिम्मत देती है, हमें साहस देती है। इलेक्शन सिर्फ भाषण से नहीं लड़ा जाता, इलेक्शन हौसले से लड़ा जाता है। जंग में कागजी अफराद से क्या होता है, हौसला लड़ता है तादाद से क्या होता है। ये कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार, विजय मालिया नाक के नीचे से हो गया फरार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय, ये चाय का नाम लेते हैं, इतने समझदार लोग हैं, ये पहुंच जाते हैं इनको जहां पहुंचना होता है। लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं वो सुनिएगा, चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है, बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है। चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है, इसी काम में हासिल उसे महारत बेच रहा है, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली जो लाइन है ना, उस पर अगर आपको दिल में गुदगुदी हो ना तो तालियों का शोर दिल्ली तक पहुंचाइएगा, कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा, सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। के जनता महंगाई की मारी, जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार, कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मैंने बड़ी मजबूती से इस भाई का हाथ पकड़ा है, मेरे आने को मायूस मत करिएगा, निराश मत करिएगा। मैं बहुत दूर से आया हूं, पहली बार आया हूं लेकिन आखिरी बार नहीं आया हूं, बार बार आता रहूंगा, लेकिन मैं अगली बार जब आऊं तो फख्र से सर ऊंचा करके आऊं, मुझे सर झुका के आना ना पड़े। इसलिए मैं आपसे अपील करने आया कि जो लोग कहीं नाराज भी हो, आपकी जिम्मेदारी बनती है। ये चुनाव सिर्फ हेमंत ओगले का चुनाव नहीं है, आज से इस चुनाव को राहुल गांधी बन के लड़ो, उद्धव साहब ठाकरे बन के लड़ो, शरद पवार साहब बन के लड़ो, क्योंकि यह चुनाव भारत के संविधान को बचाने का चुनाव है, बहुत जरूरी चुनाव है। इस चुनाव को जयंत सासाने साहब बन के लड़ो, उनकी याद दिलाओ। मैं आखिर में बस इतना कह रहा हूं कि 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा ना, तो मेरी नजरें श्री रामपुर में रहेंगी, और मैं एक बार फिर आपका शुक्रिया अदा करने के लिए इसी चौक पे फिर आऊंगा। आप आमदार बना करके इस भाई को भेज दीजिए, आमदार जिताइए, खासदार साथ में फ्री पाइए, इससे अच्छा ऑफर कुछ नहीं हो सकता। बहुत शुक्रिया, अगली सभा के लिए जाना है। एक बार उठाइए हाथ, मुझे यकीन दिलाइए, एक एक हाथ उठाइए, वहां जो लोग खड़े हैं।